द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का जो अभी नया एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहा, और ये सिर्फ मैं नहीं वहाँ की ऑडियंस भी कह रही है, उन्हें काफ़ी पसंद आया ये शो। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कपिल के गेस्ट जो थे वो थे दिलजीत दोसांझ, उनके साथ आई थी परिणीति चोपड़ा और इम्तियाज़ अली, जो अपने अभी हाल ही में आई फिल्म अमर सिंह चमकीला के प्रमोशन के लिए वहां आए थे। इस दौरान इन सभी ने एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती की और एक दूसरे की काफ़ी बातें की, और उसके बाद कपिल शर्मा ने इस एपिसोड की शूटिंग के पीछे का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने ऐसा खुलासा किया जो लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा वो लोग सभी हैरान रह गए। नमस्कार, मैं हूँ अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। अमर सिंह चमकीला की फिल्म के लिए AR रहमान का कपिल शर्मा को फ़ोन आया था, लेकिन उन्होंने वो फ़ोन मिस कर दिया। आखिरकार क्या है ये मामला, चलिए आपको बताते हैं। कपिल शर्मा ने AR रहमान की जिस कॉल को मिस होने का खुलासा किया वो उनके एक्टिंग करियर के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म साबित हो सकती थी, लेकिन तब कपिल शर्मा को लगा कि रहमान सिर्फ नॉर्मली कॉल कर रहे हैं। इस क्लिप में कपिल शर्मा ने यह भी बताया उन्होंने AR रहमान की कॉल मिस कर दी क्योंकि वो विदेश में थे। कपिल ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि मैं एक दिन रहमान सर से मिला और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें चमकीला के लिए बुलाया था। कपिल ने आगे ये भी बताया, मुझे लगता है कि वो चाहते थे कि मैं कोई गाना या कुछ और गाऊँ, मुझे लगा कि वो मेरे साथ सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ये गलत और या बोलें तो मिसअंडरस्टैंडिंग कपिल शर्मा पे शायद कहीं भारी पड़ गई है। शो में वहीं इम्तियाज़ अली ने भी कहा कि रहमान ने कपिल की सिंगिंग के बारे में उनसे काफ़ी बातें की थी, उन्हें काफ़ी बताया था, और कपिल ने आगे कहा कि उन्होंने मुझसे ये बात सीरियस अंदाज में कही। मैंने कहा सर हम विदेश में थे इसीलिए हम एक दूसरे से बात नहीं कर सके और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इम्तियाज़ अली ने आगे बताया कि रहमान सर ने कहा कि अगर दिलजीत ये फिल्म नहीं करते हैं तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो थे कपिल शर्मा जो कि अब नहीं है। उसी BTS वीडियो में आगे कपिल ने बताया कि रहमान सर ने वो बात बेहद गंभीरता से कही तो मैंने कहा कि सर हम बाहर ओवरसीज़ में थे तो इसीलिए हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए। बाद में कपिल ने ये भी कहा कि AR रहमान के साथ जो उनसे मौका उन्होंने खोया है, AR रहमान के साथ काम करने का ये बहुत बड़ा मौका था और अब वो पछता रहे हैं, और उस रात वो पूरी तरीके से सो भी नहीं पाए और रात भर रोते रहे। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।